पढ़ लिख लूँगा तो शायद झारखंड अलग हो गया है, तो एक हमारा एक अच्छा करियर बनेगा, इसी उम्मीद से पढ़ा है। कि जब मैं राजनीतिक में आया, कदम रखा, तो वहाँ पर भी इतना ज़्यादा झोल है कि पता ही नहीं चल रहा। एक काम को करने के लिए कई टेबल जाना पड़ रहा है, ईमानदारी का कोई जगह नहीं है। हमारे से ऊपर वाले लोग जो बैठे हुए हैं, विधायक सांसद लोग, वो हम लोग को छोटी मछली समझ के निकल जा रहे हैं। हम अपना हक अधिकार की बात करते कहते कि नहीं, आपका यहाँ राइट नहीं बनता है। तो कहने का मतलब, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है सर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गार्जियन को लग रहा है कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन गार्जियन को कौन समझाए कि हमारी सरकार नालायक है। कि रूम में कभी बोल रहे हैं कि गामछा बांध के सोना पड़ता है, माड़ भात बनाते हैं तो उसमें आलू का चटनी में कभी तेल नहीं रहता, कभी नमक नहीं रहता, और बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। कोई आज आंदोलन कौन कर रहा है जो गरीब किसान का बेटा है, जिसका दर्द भरा हुआ, कोई यहाँ आईएएस अफसर का बेटा नहीं आया है आंदोलन करने के लिए, कोई वीडियो सीओ का बेटा यहाँ नहीं आया है आंदोलन करने के लिए, कोई दरोगा का बेटा यहाँ नहीं है आंदोलन करने के लिए। आज आंदोलन करने के लिए मजबूर सरकार कौन किया है, गरीब किसान बेटा क्या। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब कहानी का बेटा भी राजा बनेगा दादा। और मैं दोनों बार टेट एग्जाम में पास करके अभी तक मेरी जवानी नहीं हो पाई है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। जब तक आप अपनी हक अधिकार के लिए सिर्फ इब्राहिम नहीं और सब जैसे लोग हैं वो नहीं, सिर्फ हर लोगों के प्लेटफॉर्म पर आना होगा और यूनाइट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, देन वी कैन गेट सक्सेस। तो यही विडम्बना है झारखंड का कि लोग पढ़ते रहते हैं, सर के बाल पक जाते हैं, पर आज तक उनको सरकारी नौकरी नसीब नहीं हो पाती है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे इब्राहिम सर, और एक केस होता है, केस के माध्यम से जिसका कम नंबर था उसका भी हाई स्कूल में हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, जब कोई चीज़ की डिग्री मिल जाती है उस सब पर लागू होना चाहिए कि केस करने वाले पर ही लागू होगा, वो तो सब पर झारखंड पर होना चाहिए। तो वहाँ पर भी हमें हाई स्कूल से वंचित कर दिया गया। मेरा माँ बाप अनपढ़ है, बहुत मुश्किल से पैसा देते हैं। आप अगर देखिएगा गाँव देहात में जाके तो 8-8 या 12-15 घंटा काम करते हैं, फिर भी सही से इनकम नहीं हो पाता और बहुत मुश्किल से पैसा देते हैं। फिर एक आशा जगी कि अबर जो है सो जो टेट पास किया वही लोग एग्जाम में बैठेंगे, और फिर मैंने उसका फॉर्म भरा, पता चला अनफॉर्चुनेटली फिर उसको जो है सो आदेश आपको रोक दिया जाता है कि अभी उसका किसी कारणवश नहीं लिया जाएगा। तो मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, सरकार कोई नीति प्लान नहीं है। इसके बाद मैंने क्या किया, राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रखा, मैडम को मैंने चुनाव लड़ाया। जो जनता के ऐसे ऐसे पढ़े लिखे को लोगों का हक अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड में हो क्या रहा है। जो ये युवा हैं जो रांची में रह के पढ़ाई करते हैं, अपनी साग सब्जी बेचकर इनके माँ बाप इनको पैसे भेजते हैं और पढ़ते हैं, ये भी काफ़ी कभी भी आपने देखा होगा कि हर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाए हैं, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। लेकिन सरकार की नीति क्या है कि लोगों को रोज़गार देना है, युवाओं को रोज़गार देना है या नहीं देना। प्राइवेट स्कूल है, उसमें लगभग 20-22 स्टाफ्स मेरे स्कूल में काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सरकार की नीति के वजह से मैं ठीक नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा पछतावा है ना। आपके स्कूल में भी जो स्टूडेंट पढ़ते होंगे वो भी सोचते होंगे कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी तो वो सोचते होंगे, वो भी तो आपसे शिकायत करते रहेंगे कि सर जब आपकी नौकरी नहीं लग पाई तो हम क्या गारंटी है कि सरकारी नौकरी हमें नसीब हो पाई। हेमंत सरकार ने बोली थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो उनका मैनिफेस्टो में था कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो हम लोग तो बीए करके बैठे हुए हैं, बीए एमए करके बैठे, लेकिन कोई रोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया। अभी हमारे साथ बड़कागांव जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, इब्राहिम सर हैं। सर, आप योगेश चंद्र भारती को सुन रहे थे कि हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, जब भी इनकी अगर ये लोग ने एग्जाम दे भी दिया था, सब कुछ हो गया था और अभी अचानक नियुक्तियाँ सब रद्द हो गई, तो इसमें क्या कहें। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को मेरा झारखंडी जोहार। ये बहुत बड़ी अफसोस है, बहुत बड़ा विडम्बना है कि मैं जिस परिवार से पला बढ़ा हूँ, बहुत ही गरीब परिवार से पला बढ़ा, और पलने बढ़े के बाद मैंने पढ़ाई शुरू किया, और पढ़ाई करने के बाद मैंने मैट्रिक, उसके बाद इंटर, उसके बाद बीए किया, और करने के बाद बीए के समय मैट्रिक से ही मैंने ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना चालू किया, और फिर पढ़ते पढ़ते मैंने क्या किया, इंटर बीए वगैरह किया। और अक्सर मैं इसलिए सोचा कि पढ़ लिख लूँगा तो शायद झारखंड अलग हो गया है, तो एक हमारा एक अच्छा करियर बनेगा, इसी उम्मीद से पढ़ा। और पढ़ने के बाद ट्यूशन के बाद मैंने क्या किया, फिर एक स्कूल खोला, लेकिन फिर भी पढ़ाई जारी रहा। उसके बाद उसी पैसे की अभाव के अभाव होने के बावजूद भी मैंने बीएड किया। बीएड इसलिए किया क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम टीचर वगैरह का वैकेंसी भरते तो बीएड मस्ट कर दिया था, तो मैंने बीएड किया। और बीएड करने के बाद मैंने 2013 का जो है से टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैं ओबीसी में हूँ, एनेक्सर 1 में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जनरल कोटा में मैंने
टेट पास किया। उसके बाद 2016 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी मैंने टेट पास किया। लेकिन सरकार की देखिए क्या क्या नीतियाँ ने बाहरी लोगों का जो अंदर हुआ, तो झारखंड के हक अधिकार को हमेशा माना गया और मैं दोनों बार टेट एग्ज़ाम में पास करके अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। दूसरी बात है, मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम लिखा, हाई स्कूल का एग्ज़ाम लिखने के बाद मैंने अपना जो है सो सब्जेक्ट में, उर्दू सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मैंने स्कोर किया था, यानी 121 स्कोर किया था। लेकिन वहाँ पे एक विडम्बना हो गई कि झारखंड के 12 जिला में ही आप भर सकते हैं, और मैंने पलामू से किया था, हाई कटअप से किया। अगर मैं दूसरा ज़िला से होता लेकिन वो नहीं हो पाया, मैं मेरिट लिस्ट में नहीं, हालांकि स्कोर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन दूसरा बार अचानक सरकार ने पूरे ऑल ओवर झारखंड लेवल पर मेरिट लिस्ट निकाला, और मेरिट लिस्ट कैसे निकाला, कोई उसका स्कोर कोड रिकॉर्ड नहीं किया गया, और अचानक हम लोग को पता चला फिर से लिया जा रहा है। और एक केस होता है, केस के माध्यम से जिसका कम नंबर था उसका भी हाई स्कूल में हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, जब कोई चीज़ की डिग्री मिल जाती है तो सब पर लागू होना चाहिए कि केस करने वाले पर ही लागू होगा, वो तो सब पर झारखंड पर होना चाहिए। तो वहाँ पर भी हमें हाई स्कूल से वंचित कर दिया गया। फिर एक आशा जगी कि अबर जो है सो जो टेट पास किए वही लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे, और फिर मैंने उसका फॉर्म भरा, पता चला अनफॉर्चुनेटली फिर उसको जो है सो आदेश साको रोक दिया जाता है कि अभी उसका किसी कारणवश नहीं लिया जाएगा। तो ये विडम्बना है। अभी फ़िलहाल मैं बड़का गांव में एक हाई स्कूल चला रहा हूँ, और उसी के माध्यम से मैं अपना जीविकापार्जन कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, सरकार कोई नीति प्लान नहीं है। इसके बाद मैंने क्या किया, राजनीति के क्षेत्र में भी कदम रखा, मैडम को मैंने चुनाव लड़ाया, और चुनाव लड़ने के बाद उसने जनता का जो लाड प्रेम प्यार था उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, मैं हमेशा हमेशा उसका ऋणी रहूँगा, जिस तरह उन लोगों ने मुझे वोट किया। लेकिन एक और बात है कि जब मैं राजनीतिक में आया, कदम रखा, तो वहाँ पर भी इतना ज़्यादा झोल है कि पता ही नहीं चल रहा, एक काम को करने के लिए कई टेबल जाना पड़ रहा है, ईमानदारी का कोई जगह नहीं है। हमारे से ऊपर वाले लोग जो बैठे हुए विधायक सांसद लोग, वो हम लोग को छोटी मछली समझ के निकल जा रहे हैं। हम अपना हक अधिकार की बात करते कहते कि नहीं आपका यहाँ राइट नहीं बनता है। तो कहने का मतलब, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं ऑलरेडी MA किया हूँ, उर्दू और इंग्लिश से मैंने ऑलरेडी MA किया हूँ, 2 टेट का क्वालिफाई हूँ, हाई स्कूल का स्कोर अच्छा किया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, जो जनता के ऐसे ऐसे पढ़े लिखे को लोगों का हक अधिकार नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड में हो क्या रहा है। तो जो ये युवा हैं जो रांची में रह के पढ़ाई करते हैं, अपनी साग सब्जी बेचकर इनके माँ बाप इनको पैसे भेजते हैं और पढ़ते हैं, ये भी काफ़ी कभी भी आपने देखा होगा कि हर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाए हैं, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। लेकिन सरकार की नीति क्या है कि लोगों को रोजगार देना है, युवाओं को रोजगार देना है या नहीं देना है? इससे पहले मैं सुन रहा था सर योगेश जी की बातों को, मैं सुन रहा था, बहुत दर्द अंदर से कुड़न हो रहा था कि योगेश जी ने कहा ये सर वो बात नहीं है, हजारों हजार लाखों विद्यार्थी ऐसे ना हजारीबाग में, रांची में, या जहाँ जिस तरह का उसका संसाधन हो पा रहा है, वो सारा का सारा घर का माँ बाप का मेहनत का कमाई हुई चीज़ों को मेहनत करके वो मतलब जो उस गार्जियन भेज रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है सर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गार्जियन को लग रहा है कि मेरा बेटा नालायक है, लेकिन गार्जियन को कौन समझाए कि हमारी सरकार नालायक है। हमारा जो झारखंड का 23 साल समय हो गया और अभी तक हमारा नियोजन नीति नहीं बन पाया, जो अभी तरह तरह के जो संगठन या तरह तरह के जो अभी आप पार्टियां जो देख रहे हैं, इसका वजह एक ही है, इसका सिर्फ वजह है कि हर क्षेत्र में झारखंडियों को ठगा गया है, चाहे जिस रूप में ठगा गया है। तो सबसे पहले जब तक कोई साफ स्वच्छ यहाँ पर सरकार चुन करके नहीं आती है, तब तक हमको नहीं लगता है कि यहाँ के पढ़े लिखे रोजगारों के हित की बात होगी और झारखंड का विकास होगा। योगेश, एक पोस्ट किया था, एक फेसबुक पोस्ट में आपका देख रहा था, उसमें आपने लिखा था कि मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसके बाद आपने उस पर कैप्शन में लिखा था कि यही देखकर हमारे माँ बाप बोलते हैं कि तुम इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, सबको तो नियुक्ति पत्र मिल रहा है। जी सही बात है, वो मेरे माँ बाप अनपढ़ है, बहुत मुश्किल से पैसा देते हैं। आप अगर देखिएगा गाँव देहात में जाके तो 8-8 या 12-15 घंटा काम करते हैं, फिर भी सही से इनकम नहीं हो पाता और बहुत मुश्किल से पैसा देते हैं। आपको रियली बता रहे हैं कि रूम में कभी बोल रहे हैं कि गामछा बांध के सोना पड़ता है हमको, माड़ भात बनाते हैं तो उसमें आलू के चटनी में कभी तेल नहीं रहता तो कभी नमक नहीं रहता, और बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं। कोई आज आंदोलन कौन कर रहा है, जो गरीब किसान का बेटा है जिसका दर्द भरा हुआ, कोई यहाँ IAS अफसर का बेटा नहीं आया है आंदोलन करने के लिए, कोई BDO CEO का बेटा यहाँ नहीं आया है आंदोलन करने के लिए, कोई दरोगा का बेटा यहाँ नहीं है आंदोलन करने के लिए। आज आंदोलन करने के लिए मजबूर सरकार कौन किया है, गरीब किसान बेटा किया, और 2024 में ये सरकार नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब कहानी का बेटा भी राजा बनेगा दादा।
एक चीज़ और बात है सर, बहुत ये आपने जो सवाल किया, जो झारखंड के मुख्यमंत्री जो है, पत्र बांट रहे हैं, लेकिन वो स्किल वाले लोग हैं जो 8-10 हज़ार में जो काम करने वाले दूसरे राज्य में हैं, लेकिन उनके साथ ही परेशानी है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं जाके जीविका उपार्जन करने के लिए कर रहा है। लेकिन जब हाई स्कूल के इससे पहले जो ज्वाइनिंग हुआ था उसमें आप देखते हैं कि हमको लगता है 60-70% लोग बाहरी लोग थे जो खुद नहीं जान पा रहे थे, उनको बाहर झारखंड की भाषा नहीं मालूम थी और सरकार उन्हें मुस्कुराते हुए सर्टिफिकेट ये ज्वाइनिंग दे रही थी। हमारा प्लस टू हाई स्कूल जो देख रहे हैं आप, वहाँ पर बाहर के शिक्षक लोग आए हुए, यूपी के लोग आए थे, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। इस पर कहना हम छोटी मुँह बड़ी बातें होती है, लेकिन इस न्यूज़ पंचायत न्यूज़ के माध्यम से लोगों के ही कहना पड़ेगा, जब तक आप अपनी हक अधिकार के लिए सिर्फ इब्राहिम नहीं और सब जैसे लोग हैं वो नहीं, सिर्फ हर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और यूनाइट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, देन वी कैन गेट सक्सेस सर। ये युवाओं का दर्द आप सुन रहे थे, सर भी कभी युवा रहे हैं और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और अभी टीचर हैं, और योगेश भारती को आप सुन रहे थे कि वो भी एक स्टूडेंट है और वो भी जद्दोजहद में लगा है कि उसकी नौकरी लग जाए, पर सरकार जो नियुक्ति पत्र बांटती है वो पहले के रघुवर दास की सरकार में जो नियुक्तियाँ हुई थी उसको बांटती है और वाहवाही लूटती है। और अभी जो वैकेंसियाँ आई थी जिसका सब कुछ होने के बाद भी ये रद्द कर दिया गया, तो यही विडम्बना है झारखंड का कि लोग पढ़ते रहते हैं सर के बाल पक जाते हैं पर आज तक उनको सरकारी नौकरी नसीब नहीं हो पाती है। जैसे कि एग्जाम्पल हैं हमारे इब्राहिम सर कि हमेशा सब कुछ करते आए हैं पर आज तक सरकारी नौकरी भरते आए हैं सर, लेकिन कभी सरकारी नौकरी ज़्यादा इतना दाव पेच लगा दिया जा रहा है कि उसको समझ में नहीं। मैंने तो कहा कि 2013 में जनरल में मैंने क्वालिफाई किया, लाना था हमें स्कोर 78 मार्क्स लाना था और मैंने 99 किया, फिर भी सफल नहीं हुआ। दोबारा अपना मेरिट में मैंने पास किया, उससे भी नहीं हुआ कि स्कूलिंग का जो तरह तरह का ये बना दिया गया, तो बड़ी अफसोस लगता है। अभी खैर मैं स्कूल चला रहा हूँ, जैसे अपने स्कूल जगह पर ठीक हूँ, प्राइवेट स्कूल है अभी, उसमें लगभग 20-22 स्टाफ्स मेरे स्कूल में काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन सरकार की नीति के वजह से मैं ठीक नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा पछतावा है ना। आपके स्कूल में भी जो स्टूडेंट पढ़ते होंगे वो भी सोचते होंगे कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी तो वो सोचते होंगे, वो भी तो आपसे शिकायत करते रहेंगे कि सर जब आपकी नौकरी नहीं लग पाई तो हम क्या गारंटी है कि सरकारी नौकरी हमें नसीब हो पाए। ना मैंने बोला कि बच्चों हिम्मत नहीं हारना है, देर है पर दुरुस्त है, इतना बात जरूर है आप अपनी मेहनत में लगे रहें, जिस दिन सरकार जाग जाएगी, जिस दिन आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, सरकार आपकी बात को सुनेगी और मतलब साफ स्वच्छ जो है सो ये बहाली होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही बात है कि जो भी हमारे स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो करीब करीब सभी हाई लेवल के एजुकेटेड, लेकिन सब यही कहानी गाते हैं कि सर मेरा भी नहीं हो पा रहा है ये, क्योंकि बीए एमए करके सर 8-10 हज़ार के नौकरी के लिए रिज्यूम जमा करते हैं, ये भी बहुत बड़ा मैं सोचता हूँ, इतनी डिग्रियाँ लेकर के आ रहे हैं मेरे पास, तो जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन सरकार की प्राइवेट सेक्टर पर भी अच्छा नज़र नहीं है, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लगता है प्राइवेट सेक्टर भी बंद हो जाएगा कुछ, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जहाँ तक सरकार की है उसमें साफ सुथरा, क्योंकि उसका हक अधिकार बनता है। ये हेमंत सरकार ने बोली थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो उनका मैनोफेस्टो में था कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो हम लोग तो बीए एमए करके बैठे लेकिन कोई रोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया, ये भी बहुत बड़ी विडम्बना है। मैं क्या बताऊँ, मैं सरकार की बहुत ज़्यादा ये नहीं कह, लेकिन जो सच्चाई है उसी चीज़ को मैं उजागर कर रहा हूँ। एक बार फिर मैं पंचायत न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।